दिल्ली के शिक्षा में जो कुछ भी काम हुआ है, बच्चों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बच्चों के चेहरे चमक रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों का भविष्य भी चमकने लगा है। लेकिन अभी मैं सर यहाँ आया तो अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ SCERT में कुछ नए साथी आए हैं देश भर से, अलग अलग इंटरव्यू देके अलग अलग राज्यों के एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। तो SCERT में उन आने वाले उन साथियों में से कई साथी अलग राज्यों के शिक्षा विभागों में SCERT में भी काम करते रहे हैं। तो मैं जैसे ही यहाँ आके बैठा तो हमारी एक महत्वपूर्ण साथी मेरे पास में आई यहाँ, और उन्होंने आके मुझे अपना परिचय दिया कि मैंने थोड़े दिन पहले ही दिल्ली का एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, उससे पहले मैं एक पर्टिकुलर राज्य में एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, और जब से मैंने ज्वाइन किया है मेरे पुराने डिपार्टमेंट से जहाँ से मैं आई हूँ उस सरकार से लगातार मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं बार बार, बताओ भाई दिल्ली के एजुकेशन में हो क्या रहा है, हमें भी तो समझाओ ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी तो बताओ क्या हो रहा है। तो आई थिंक दैट्स ए बिग डेवलपमेंट। आज हमारे एजुकेशन के लीडर्स, हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स देश में कहीं भी जाते हैं और जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई हम दिल्ली के स्कूलों में टीचर हैं, तो हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक, पॉलिटिकल अपोनेंट का भी फैन होगा कोई, तो वो भी पूछता है यार इतना सुना है दिल्ली के एजुकेशन के बारे में, कुछ हो रहा है ना वहाँ पे, क्या हो रहा है बताओ। तो लोगों की जिज्ञासा भी बहुत है और जिज्ञासा बनती भी है जब काम हुआ है। तो पिछले 6-7 साल में जिस तरह से दिल्ली के स्कूलों का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, जिस तरह से रिजल्ट्स शानदार हुए हैं, जिस तरह से स्कूलों का वातावरण बदला है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स ने निभाई है। और टीचर्स को ये योगदान के लिए तैयार करने और प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर ट्रेनिंग ने निभाई है। सर 2015 से पहले, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले भी ऐसा नहीं है कि टीचर ट्रेनिंग्स नहीं होती थी, लेकिन उन टीचर्स ट्रेनिंग को हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ था, क्या कहते थे उसको, सेमिनार, सेमिनार बोलते थे। मतलब 2 घंटे का एक त्यागराज में 5,000 लोगों को बिठा के एक आदमी आएगा, कोई विशेषज्ञ जो कि दिल्ली या देश के किसी सरकारी विभाग से रिटायर होने के बाद में आके, और वो आके एक भाषण दे जाएगा, उसकी अपनी योग्यता है कि रिटायर है, उसने कुछ किया है कि नहीं किया पता नहीं, पर वो आके सेमिनार में भाषण दे के जाएगा, उसको हम ट्रेनिंग कहते थे। तो 2015 के बाद स्कूल विजिबल दिख रहे हैं कि बदलाव हुए, रिजल्ट्स भी विजिबल दिख रहा है, लेकिन उसकी बैकबोन में सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हुआ है वो है टीचर ट्रेनिंग का। दिल्ली के स्कूलों में अगर हमसे कोई पूछे, पढ़ाने का काम तो टाटपट्टी पे भी हो जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ के भी हो जाएगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना नहीं होगा। हम इतनी बढ़िया स्कूल बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, इतनी बढ़िया सुविधाएं दे रहे हैं, वो ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन टीचर ट्रेनिंग के बिना एजुकेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये मूल मंत्र यहाँ पे चला और उसके तहत देश में जहाँ से भी अच्छी ट्रेनिंग्स हो सकती थी, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ से ट्रेनिंग दिलाई हमने अपने प्रिंसिपल्स को। अगर देखें सर तो अपने प्रिंसिपल्स को पिछले 6-7 साल में दिल्ली सरकार के हेड ऑफ द स्कूल्स को 7 अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हमने इंश्योर की है कि हर एक प्रिंसिपल को मिल जाए, वो चाहे IIM की ट्रेनिंग हो या और कई तरह की ट्रेनिंग डिजाइन है वो हो, 7 अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स तो मिल चुकी हैं। उसके अलावा ऑन गोइंग है, लगातार चलती रहती हैं। हमने जैसा मैंने कहा IIM से दिलवाया, हमने TIS को शामिल किया अपनी ट्रेनिंग्स में, हमने अभी मैं यहाँ था तो किसी ने जिक्र किया कि हापुड़ में जो जीवन विद्या की प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग होती है उसको तो लगातार करवाते रहिए, तो हापुड़ से लेकर और हार्वर्ड तक का सफ़र हमने टीचर ट्रेनिंग के लिए तय किया है। तो हर पड़ाव बहुत इम्पॉर्टेंट है टीचर ट्रेनिंग का। हमने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने SCERT के टीचर ट्रेनर्स को देश भर के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ भी कुछ अच्छा होता हुआ हमें पता चला वहाँ पे भेजा। लगभग देश के सभी SCERT के साथ में हमारे टीचर्स जाके, हमारे एजुकेटर्स जाके विजिट करके आ चुके हैं, उनसे इंटरेक्शन करके आ चुके हैं। एक यूनिक प्रयोग हमने किया सर देश के संदर्भ में कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल देश में अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, त्रिपुरा, गुजरात, सब जगह बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बारे में सुनने को मिलता है कि फलानी जगह फलाना काम अच्छा हो रहा है। तो हमने अपने स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर्स को सेलेक्ट कर करके देश के प्राइवेट स्कूलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा,
कश्मीर में भेजा, सिक्किम में भेजा, हमने मध्य प्रदेश में भेजा, कर्नाटक में भेजा, अलग अलग राज्यों में हमने प्राइवेट स्कूलों के साथ भी, दिल्ली के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भेजा, ताकि वहां भी जिनका नाम है जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं। इसी क्रम में IIT के साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग का। लेकिन आज जो यहाँ टीम आपके सामने बैठी है सर, ये 3 देशों में प्रमुख रूप से ट्रेनिंग करके आई हुई है, फिनलैंड में, सिंगापुर में और ब्रिटेन में। सिंगापुर का टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देश दुनिया के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में माना जाता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च, उनका एग्जामिनेशन सिस्टम, उनका टीचर ट्रेनिंग बहुत शानदार माना जाता है। और फिनलैंड ओवरऑल पूरी दुनिया में जिज्ञासा है कि यार ये फिनलैंड वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं कि इनके टीचर्स इतने शानदार होते हैं, इनकी टीचर ट्रेनिंग इतनी शानदार होती है। फिनलैंड दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम अपने टीचर के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अपने टीचर को इतना ट्रेन कर दिया है कि अब इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं है। और उनकी सरकार ने केवल और केवल टीचर ट्रेनिंग के दम पर यह निर्णय लिया हुआ है, ऑफिशियली कानून बना के निर्णय लिया हुआ है कि हमारे देश में अब एजुकेशन में इंस्पेक्टर्स नहीं होंगे, बस टीचर्स होंगे और टीचर ट्रेनिंग होगी। हमें अपने टीचर्स में कुछ कमी दिखेगी तो हम ट्रेनिंग से पूरा कर लेंगे, हम इंस्पेक्टर से पूरा नहीं करेंगे। तो ये काम हुए हैं। इसी क्रम में आज हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हमारे साथी जो गए हैं शेयर करें, और इसकी पूरा स्पार्क जैसा आप जानते हैं इसी से हुआ कि हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम आगे चले। चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, इंटरनेशनल विजिट, ट्रेनिंग चल रही है, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए आगे? तो इसी क्रम में सर, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं सबके सामने, हमारे टीचर साथी जानते हैं लेकिन शायद मीडिया के लिए और यहाँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, IIM में जब हम प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करा रहे थे तो IIM के प्रोफेसर्स ने हमको आके कहा, साहब आपके 2015 में आपके 1000 प्रिंसिपल्स हैं, तो 1000 प्रिंसिपल्स को आप 30-30 लोग करके अगर IIM भेजोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, हम ऐसा करते हैं दिल्ली में आके ट्रेनिंग कर देते हैं आपकी, आप 30-30, 50-50 के हम 3-4 टीम्स तैयार कर देंगे, अपने स्कूल में अपने किसी हॉल में टीचर्स बिठा देना और हम वही बिल्कुल कंटेंट की ट्रेनिंग आपको दिल्ली में आके दे देंगे। हमने अपने प्रिंसिपल से भी बात की, टीचर्स से भी बात की और इधर अपने टीम से बात की और ये निष्कर्ष निकला कि नहीं, हमारे प्रिंसिपल का IIM जाना, 10 दिन वहां के कैंपस में रहना, वहीं के हॉल में ट्रेनिंग लेना भी अपने आप में ट्रेनिंग का हिस्सा है। IIM का बहुत प्रेशर था कि हम इतना लोड, उनको आदत है 30-30 लोगों की ट्रेनिंग कराने की और साल में 4-5 ट्रेनिंग, हमने कहा हमें 1000 प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग करानी है और सुपर स्पीड से करानी है, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, आप अगर महीने में 3 बैच हमारे निकाल सको तो हमें अच्छा लगेगा। तब उन्होंने हमको ऑफर दिया था कि जी हम दिल्ली आ जाते हैं, हम आपके लिए एक सेंटर खोल देते हैं दिल्ली में और आपके सारे प्रिंसिपल टीचर्स की जितने की ट्रेनिंग कहोगे हम यहाँ करा देंगे। हमने कहा नहीं, हमारे प्रिंसिपल जब IIM में जाएंगे, वहाँ के एम्बियंस को देखेंगे, वहाँ के वातावरण को देखते हुए वहाँ के और प्रोफेसर से भी चर्चा करेंगे और वापस आके अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे कि मैं IIM को देख के आया हूँ, 10 दिन रह के आया हूँ, 10 दिन ट्रेनिंग करके आई हूँ वहाँ पे, तो वो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस, अलग तरीके का वो आता है। यही हमने कैम्ब्रिज के साथ किया, यही फिनलैंड के साथ और यही सिंगापुर के साथ। इनका भी सबका था कि हम यहाँ भेज देते हैं आप बोलो तो, लेकिन कंटेंट तो वो आ जाएगा, वो प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, लेकिन वो जो वातावरण से सीखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमने इस बात को जिद करके रखा कि नहीं, खर्चा ज़्यादा होगा लेकिन ट्रेनिंग भी तो सार्थक होगी, खर्चा बचाने के चक्कर में हम ट्रेनिंग ही खराब कर देंगे तो फ़ायदा क्या, फिर से सेमिनार बन के रह जाएगा। तो आज हमारे बहुत सारे साथी आपके साथ कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ, उन्होंने किस तरह से उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया। अभी मैं घूम रहा था तो मुझे एक प्रिंसिपल साहब साथी मिले पीछे, बोले कि सर मैं जब ट्रेनिंग के लिए आपने भेजा था तो अपने पॉकेट से 25,000 रुपये की किताबें फिनलैंड से लेके आया था ट्रेनिंग की, जो उनके वहाँ के स्कूल सिस्टम के संबंध में थी, वो शायद हमारी ट्रेनिंग में नहीं था कि भाई किताबें खरीद कर लाना, लेकिन वो मुझे पहली बार पता चला कि प्रिंसिपल साहब अपने तनख्वाह से, अपने पैसे से, क्योंकि उनको अच्छा लगा, वो 25,000 रुपये की तो वहाँ से किताबें खरीद के लाए थे। तो ये सब बहुत एंथुजिस्टिक लोग हैं और बहुत शानदार इस्तेमाल उस ट्रेनिंग का हुआ है जो मिली है। मैं चाहूँगा कि अब आपके और इनके बीच में ज़्यादा न रह के इसको संवाद के रूप में आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप सभी का भी आने का बहुत बहुत